उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही से सहारनपुर का कस्बा अम्बेहटा भी अछूता नहीं रहा है। इस तबाही की आंच यहां के तीन परिवारों पर भी पड़ी है। थाना नकुड़ के अंतर्गत अम्बेहटा कस्बे के झाबरी मोहल्ले के रहने वाले तीन युवक इस त्रासदी में लापता हो गए। तीनों वहां पर मजदूरी का काम करते थे। परिवार में इस आपदा के बाद से कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों युवकों का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से गुहार लगाई है। वहीं परिजनों ने बताया कि तीनों युवक एक ठेकेदार के माध्यम से काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे, लेकिन तीनों युवकों का त्रासदी के बाद अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजन सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार उनके परिजनों को तलाश कर उनके पास तक पहुँचा दे। कब आया था लास्ट बार? जी पहली तारीख उस पर आया था, दूसरी तारीख को। अच्छा, फिर नहीं आया। आपने कल से ट्राई किया फोन? जी। सुच हो पा रहा है? जी। कहीं बात हो पाई है? जी ना। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? जी बस यही उम्मीद करते हैं जी, मैं आ जाओ आपकी, बस और कुछ नहीं करते। कब से गए हुए थे लगातार? जी एक महीना हुआ अभी। 10 हो गए, 11 तारीख को गए थे, कल से कोई भी पता नहीं आया उनका। जब से गए हुए कोई भी पता नहीं आया। कल से हमारे बच्चे भी इतने रो रहे, हम भी इतने रो रहे, कोई पता सता कुछ नहीं आया उनका कल से। कोई फोन वोन जो सरकार ने दिया है जिस नंबर पर वहाँ कॉन्टेक्ट हुआ, कोई बात हुई? कोई भी बात नहीं हो रही, फोन भी नहीं मिल रहे उनका। कोई किसी के साथी का फोन हो? किसी का भी नहीं है, साथ में फोन जो था किसी का भी नहीं मिल रहा। कितने लोग थे यहाँ से गए हुए? यहाँ से तो उनके साथ तो 3-4 गए हुए। अच्छा, क्या बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। देखिए, ये जो प्राप्त सूचना के मुताबिक जनपद सहारनपुर के तीन युवक जो कि अम्बेहटा के रहने वाले हैं, ये तीन लोग एक ठेकेदार के माध्यम से चमोली में काम करने के लिए गए थे, जो कल से उनसे कोई संपर्क हम लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। उनके घर वालों ने ये सूचना दिया है और हम लोग जो भी वहाँ के हेल्पलाइन नंबर हैं उनमें प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी तक उनसे कोई हम लोगों का संपर्क या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त हो हम उनके घर वालों को बताएं और इसमें जो भी आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई हम लोग तत्परतापूर्वक कराएंगे। चमोली त्रासदी में सहारनपुर के तीन युवकों के फंसे होने की जानकारी जैसे ही सहारनपुर प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए चमोली में काम करने गए युवकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक प्रशासन को इसमें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है और चमोली गए किसी भी युवक और ठेकेदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार सहारनपुर का प्रशासन उनसे संपर्क बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनसे संपर्क कर राहत की सांस मिले। पंजाब के सीटीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।